मोक्ष प्राप्ति के उपाय का वर्णन। सिद्ध ब्राह्मण ने कहा, काश्यप, जो मनुष्य पूर्व पूर्व का अभिमान त्याग कर कुछ भी चिंतन नहीं करता और मौन भाव से रहकर सबके एकमात्र अधिष्ठान पर ब्रह्म परमात्मा में लीन रहता है, वही संसार बंधन से मुक्त होता है। जो सबका मित्र, सब कुछ सहने वाला, मनोनिग्रह में तत्पर, जीतेंद्रिय, भय और क्रोध से रहित तथा मनस्वी है, जो नियम परायण और पवित्र रहकर सब प्राणियों के प्रति अपने जैसा बर्ताव करता है, जिसके भीतर सम्मान पाने की इच्छा नहीं है तथा जो अभिमान से दूर रहता है, वह सर्वथा मुक्त है। जीवन मरण, सुख दुख, लाभ हानि तथा प्रिय अप्रिय में जिसकी समान दृष्टि है, जो किसी के द्रव्य का लोभ नहीं रखता, किसी की अवहेलना नहीं करता, जिसके मन पर द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चित्त की आसक्ति दूर हो गई है, जो किसी को अपना मित्र, बंधु या संतान नहीं मानता, जिसने धर्म, अर्थ और काम का परित्याग कर दिया है, जिसकी ना धर्म में आसक्ति है, ना अधर्म में, और जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित है, वह मुक्त हो जाता है। जो काम्य कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसकी दृष्टि में यह जगत आज है, कल नहीं रहने वाला है, जो सदा इसे जन्म, मृत्यु और जरा अवस्था से युक्त अस्थिर देखता है, जो सदा अपने दोषों पर दृष्टि रखता है, जो आत्मा को गंध, रस, स्पर्श, शब्द, परिग्रह और रूप से रहित तथा अज्ञेय मानता है, जिसकी दृष्टि में आत्मा पांच भौतिक गुणों से हीन, निराकार, कारण रहित, निर्गुण तथा गुणों का भोगता है, वह मुक्त हो जाता है। जो बुद्धि से विचार करके शारीरिक और मानसिक सब संकल्पों का त्याग कर देता है, वह बिना ईंधन की आग के समान धीरे-धीरे शांति को प्राप्त होता है। जो सब प्रकार की वासनाओं से छूटकर द्वंद और परिग्रह से रहित हो गया है तथा जो तपस्या के द्वारा इंद्रिय समूह को अपने वश में करके अनासक्त भाव से विचरता है, उसे मुक्त ही समझना चाहिए, क्योंकि वासनाओं के बंधन से छूट जाने पर मनुष्य शांत, अचल, नित्य, अविनाशी एवं सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब मैं उस परम उत्तम योग शास्त्र का वर्णन करता हूँ, जिसके अनुसार योग साधन करने वाले योगी पुरुष अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। पहले तुम उन उपायों का श्रवण करो, जिनके द्वारा चित्त को वशीभूत एवं अंतर्मुख करके योगी अपने नित्य आत्मा का दर्शन करता है। इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर मन में और मन को आत्मा में स्थापित करे। इस प्रकार पहले तीव्र तपस्या करके फिर मोक्षोपयोगी उपाय का अवलंबन करना चाहिए। एकांत में रहने वाला साधक पुरुष यदि अपने मन को आत्मा में लगाए रखने में सफल हो जाता है, तो वह अवश्य ही अंतःकरण में आत्मा का दर्शन करता है। जो साधक सदा संयम परायण, योग युक्त, मन को वश में करने वाला और जीतेंद्रिय है, वही आत्मा से प्रेरित होकर बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात्कार कर सकता है। जैसे मनुष्य सपने में किसी अपरिचित पुरुष को देखकर जब पुनः उसे जागृत अवस्था में देखता है, तो तुरंत पहचान लेता है कि यह वही है, उसी प्रकार साधन परायण योगी समाधि अवस्था में आत्मा को जिस रूप में देखता है, उसी रूप में उसके बाद भी देखता रहता है। योग वेताओं ने देह और आत्मा के पार्थक्यों को समझने के लिए बहुत उत्तम दृष्टांत दिया है। देहधारी जीव जब योग के द्वारा आत्मा का यथार्थ रूप से दर्शन कर लेता है, उस समय उसके ऊपर त्रिभुवन के अधीश्वर का भी आधिपत्य नहीं रहता। अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला योगी पुरुष देवताओं का भी देवता हो सकता है,
वह इस अनित्य शरीर का त्याग करके अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त होता है। संपूर्ण प्राणियों का विनाश देखकर भी उसे भय नहीं होता। सबके कलेश उठाने पर भी उसको किसी से कलेश नहीं पहुंचता। शांत चित्त एवं निःस्पृह योगी आसक्ति और स्नेह से प्राप्त होने वाले भयंकर दुख, शोक तथा भय से कभी विचलित नहीं होता। उसे शस्त्र नहीं काट सकते, मृत्यु उसके पास नहीं पहुंच पाती। संसार में उससे बढ़कर सुखी कहीं कोई भी नहीं दिखाई देता। वह मन को आत्मा में लीन करके आत्मनिष्ठ हो जाता है तथा बुढ़ापा के दुखों से छुटकारा पाकर सुख से सोता है। एकांत में ध्यान करने वाले पुरुष को जिस प्रकार योग की प्राप्ति होती है, वह सुनो। जो उपदेश पहले श्रुति में देखा गया है, उसका चिंतन करके शरीर के जिस भाग में जीव का निवास माना गया है, उसी में मन को भी स्थापित करे। फिर निर्जन वन में, जहाँ किसी प्रकार का शब्द ना सुनाई देता हो, इंद्रिय समुदाय को वश में करके एकाग्र चित्त से अपने अंतःकरण में परमात्म तत्व का चिंतन करे। इस प्रकार सदा ध्यान के लिए प्रयत्न करने वाले पुरुष का चित्त शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता और परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, संपूर्ण इंद्रियां भी उसको अपना विषय नहीं बना सकती। केवल मन रूपी दीपक की सहायता से ही उस महान आत्मा का दर्शन होता है। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। विप्रवर, यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया, अब तुम आनंद पूर्वक अपने स्थान को लौट जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मोक्ष धर्म का आश्रय लेने वाले वे ब्राह्मण श्रेष्ठ सिद्ध मुनि मुझसे यह प्रसंग सुनाकर वहीं अंतर्धान हो गए। पार्थ, क्या तुमने मेरे बताए हुए इस उपदेश को एकाग्र चित्त से सुना है? मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जिसका चित्त व्यग्र है तथा जिसे ज्ञान का उपदेश नहीं प्राप्त है, वह मनुष्य इस विषय को नहीं समझ सकता। यह मैंने देवताओं का परम गोपनीय रहस्य बतलाया है, इसे तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य सुनने का अधिकारी भी नहीं है। जिसका चित्त दुविधा में पड़ा हुआ है, वह इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता। ज्ञानी मनुष्य देह को त्याग कर उस ब्रह्म में ही अमृत तत्व को प्राप्त होता है और सदा के लिए सुखी हो जाता है। स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि चांडाल आदि भी इस धर्म का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें मोक्ष धर्म का युक्ति युक्त उपदेश किया है, उसके साधन के उपाय बतलाए हैं और सिद्धि, फल, मोक्ष तथा दुख के स्वरूप का भी निर्णय किया है। इससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक धर्म नहीं है। पांडुनंदन, जो कोई बुद्धिमान, श्रद्धालु और पराक्रमी मनुष्य लौकिक सुख को सारहीन समझकर उसका परित्याग कर देता है, वह इसी उपाय के द्वारा बहुत शीघ्र परम गति को प्राप्त हो जाता है। इतना ही मुझे कहना था, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जो 6 महीने तक निरंतर योग का अभ्यास करता है, उसे अवश्य उसमें सिद्धि प्राप्त होती है।